कुछ घोषणाएं हैं, नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहे हैं। इसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने के लिए, मतलब जब आप फिर से भरने के लिए ले जाएंगे सिलेंडर को, तो आपको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। घर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे डाले जाएंगे ये पैसे। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के तकरीबन 50,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं को, जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। आज तक 300 है, 700 नए बनाए जाएंगे ताकि इनकी कुल संख्या 1,000 हो जाएगी। राज्य के सभी 6,000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी हो जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी MSP में खरीदा जाएगा। तो ये कुछ नई घोषणाएं हैं, आशा है आपने ध्यान से सुनी। देखिए, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी आजादी की लड़ाई के समय बिलासपुर आए थे। ये लड़ाई सिर्फ महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष और छत्तीसगढ़ के बहुत महापुरुषों ने नहीं लड़ी, इनके साथ पूरी जनता ने ये लड़ाई लड़ी। और खास तौर से मेरी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी बहनें भी इस लड़ाई में शामिल थी। और उन्होंने खास तौर से जब 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जिस समय सब जितने भी पुरुष थे उनको जेल में डाल दिया गया था, उस समय देश की महिलाएं आगे आईं और ये परचम उठाया उन्होंने कि अंग्रेज जाएंगे इस देश को छोड़कर और हम आजादी पाएंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में जब महात्मा गांधी जी आए थे तो मैंने सुना है कि जहां से उन्होंने भाषण दिया, जहां वो बैठे थे, वहां से उन्होंने छत्तीसगढ़ की बहनों से कहा कि तुम्हारे पास जो भी है आजादी की लड़ाई के लिए उसे दे दो, अगर थोड़ा बहुत पैसा है, किसी ने जेवर दिए, किसी ने कुछ दिया, जो भी था आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया। महात्मा गांधी जी ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम भी लड़ो, तुम भी आगे आओ और इस देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाओ। उनके जाने के बाद मैंने सुना कि जहां वो बैठे थे, जहां से भाषण दिया था, वहां पर कुछ बहनें गईं, किसी ने थोड़ी सी धूल उठा ली, किसी ने एक ईंट ले ली और घर में रख ली, और उसके प्रति, उन ईंटों के प्रति, उस धूल के प्रति उन्होंने उन श्रद्धा अपनी व्यक्त की और घर में रखी। तो ये श्रद्धा क्या है जो नेता और जनता के बीच होती है? हम लोग आते हैं, आप फूलों से हमारा स्वागत करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं, ये जो भावना है ये एक तरफी भावना नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ आपके मन में ये श्रद्धा है, ये हमारे दिलों में भी श्रद्धा होनी चाहिए आपके लिए। मैंने खुद देखा, किसी ने इंदिरा जी की बात की,
बघेल जी आपने भी कहा कि कल इंदिरा जी की पुण्यतिथि है। मुझे एक छोटी अपनी बात याद आई, मैं 12 साल की थी उस दिन सुबह 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी, हम लोग इकट्ठे रहते थे, दादी के पास गई, स्कूल में एक प्रतियोगिता थी उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा, नाटक की प्रतियोगिता थी, झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए, गाड़ियों में रखा, बिठाया, काफी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए, हमें मालूम नहीं था राहुल को और मुझे कि क्या हुआ, मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारी दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। अंदर गए, माता पिता नहीं थे, पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे, माताजी दादी को लेकर अस्पताल गई हुई थी। जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई खत्म भी कर सकता है और इतनी हिंसा से। और अक्सर मैं सोचती हूं कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ, हमारी दादी मां समान थी हमारे, लेकिन कैसी देशभक्ति की भावना उन्होंने हमारे दिलों में डाली होगी कि एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए हमारी इस देश में आस्था नहीं टूटी। 7 साल बाद, और ये मैं लंबी चौड़ी बात आपको इसलिए बता रही हूं, मैं बताऊंगी क्यों, 7 साल बाद मैं 19 साल की थी, इसी तरह की घटना मेरे पिता के साथ घटती है और मैं अपने पिता का छलनी शरीर, खून से लथपथ शरीर घर लाती हूं, फिर भी मेरी इस देश में आस्था नहीं टूटती, फिर भी देशभक्ति कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। कैसी भावना होगी उन लोगों के दिल में कि हम बच्चों में उन्होंने ऐसी देशभक्ति की भावना डाल दी कि तब से लेकर अब तक ये टूट नहीं पाई। मैं इसलिए ये सारी बातें कह रही हूं क्योंकि जब हम अपनी बीती हुई पीढ़ियों की बात करते हैं, जब हम इंदिरा जी की बात करते हैं, नेहरू जी की बात करते हैं, राजीव जी की बात करते हैं, तो हमारी आलोचना करने वाले एकदम से परिवारवाद की बात उठाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि ये परिवारवाद नहीं है, ये देश के प्रति एक भक्ति है जो टूट नहीं पा रही है। और ये श्रद्धा है दिल में आप सबके लिए, आपके लिए जो आप यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनों आपके लिए, मेरे भाइयों आपके लिए, जो इस देश का किसान है उसके लिए, जो दिन रात एक करता है उस खेती के में से कुछ बनाने के लिए, उपज करने के लिए, हमें खिलाने के लिए, जो अन्नदाता है इस देश का उसके लिए आस्था है, जिसका बेटा जवान बनके सेना पे तैनात होता है हमारे लिए, जो मेरी दादी की तरह, मेरे पिताजी की तरह इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, उसके प्रति आस्था है। और ये कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, ये आस्था कभी नहीं तोड़ पाएंगे, ये देशभक्ति कभी नहीं तोड़ पाएंगे। और आज चुनाव के मंच पर ये बातें इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप समझें कि आज ये देश, आपका प्रदेश कहां पे खड़ा है, आपकी परिस्थितियां क्या हैं, देश की परिस्थितियां क्या हैं, क्या हो रहा है आपके आसपास, इन चीजों को जागरूकता से समझें
और गहराई से इनके बारे में आप सोचिए। और जब आप वोट देते हैं, जब आप अपना समर्थन किसी एक राजनीतिक दल को देते हैं, तो अच्छी तरह से पहचानिए कि उस राजनीतिक दल का मकसद क्या है, क्या उनके नेताओं के दिलों में आपके लिए वही आस्था है कि नहीं, क्या देशभक्ति सचमुच है या सिर्फ कहने के लिए है, दिखाने के लिए है, कैसी घोषणाएं करते हैं, क्या घोषणाएं पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या इनके प्रदेशों में जहां इनकी सरकारें चल रही हैं, जहां इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, क्या ये घोषणाएं पूरी हो रही हैं कि नहीं, ये सब चीजें मैं चाहती हूं कि आप एकदम जागरूकता से समझें, क्योंकि इससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है, इससे यही देश, इसी देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, जिसके प्रति सिर्फ मेरे दिल में नहीं लेकिन आपके दिलों में भी बहुत देशभक्ति है। तो मैं चाहती हूं कि आप समझें, आज छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से आपके प्रदेश को केंद्र की सरकार की कुनीतियों से बचाया है और आपको बचाया है। कोरोना आया, कोविड था, देश भर में यहां भी संकट थी, जहां अन्य प्रदेशों में मदद नहीं दी गई, यहां आपको उसका सामना करने के लिए सहायता मिली। किसान भाई हैं, मैंने आपकी बात की, आप अन्नदाता हो, आप ही के बेटे इस देश की सुरक्षा करते हैं। आज अगर छत्तीसगढ़ की सरकार ने आपको राहत नहीं दी होती, तो बाकी देश के किसानों की तरह आप परेशानियों से घिरे होते, मुश्किलें बढ़ती चली जाती आपके लिए, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद सब महंगा हो गया है। जब आप अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करते हैं, तो आपको सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। यही उम्मीद रखती है जनता आज सरकारों से कि देखिए, आप ज्यादा नहीं मांगते, और मांगना चाहिए। आप तो आज के दिन सिर्फ यही मांग रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, हमें संकट है, परेशानियां हैं, इस जीवन को जीने में हमें हमारी सहायता कर दो, यही मांग रहे हैं आप, इससे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। ये मूल सुविधाएं हैं, पानी, सड़क, बिजली, पाठशाला, ये मूल सुविधाएं हैं, आपके हक है ये, फिर भी आप श्रद्धा पूर्वक यही मांगते हैं और कहते हैं चलिए ये दे दीजिए, हमें सुविधा मिल जाएगी, हमारे बच्चों को रोजगार दे दीजिए, हमें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक मौका दीजिए। ये बड़ी बातें नहीं है, ये सरकारों के कर्तव्य होते हैं कि आपके लिए किया जाए, कोई एहसान नहीं होता आप पर। यहाँ तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस के भाई बहन हैं, आप क्या मांग रहे हैं, कई सालों से आपकी क्या मांग है कि आपको पुरानी पेंशन मिल जाए, क्यों, कोई बड़ी बात नहीं है ये, आप 20 सालों से काम करते हैं, देश सेवा करते हैं, तो एक उम्मीद रखते हैं ना कि कम से कम जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमें पेंशन मिलेगा, सुरक्षा मिल जाएगी। आज आपको मालूम नहीं है कि आपके पेंशन के पैसे कहाँ जा रहे हैं, कल को कुछ हो जाए मार्केट में और आपकी सारी कमाई गवा देंगे, तो ये बड़ी मांगे नहीं है, बल्कि मैं कहती हूँ इससे ज्यादा मांगना चाहिए, बहुत ज्यादा मांगना चाहिए। महिलाएं अपना हक मांगती हैं, 33% आपको पंचायतों में आरक्षण मिला, कांग्रेस की ही सरकार ने दिया। अब आप देखिए कि केंद्र सरकार की क्या ये नियत है कि आपको देंगे आरक्षण, बिल तो पास कर ली, लेकिन आप जब गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बिल पास किया है, ये तो 10 सालों के लिए लागू ही नहीं हो सकती, 10 सालों के लिए आपको आपका हक मिलने नहीं वाला है। लेकिन मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है, पब्लिसिटी बड़ी हो रही है, इवेंटबाजी बड़ी हो रही है, तो इसी तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि जो घोषणाएं, जो आपके लिए योजनाएं सरकारें लाती हैं, जो नेता आपके मंच पे खड़े होकर आपको बताते हैं, इनकी सच्चाई को परखिए, अपना खुद का अनुभव देखिए,
आंख मूंद के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आप वोट दे देते हैं, तो आपने नेता को तो बिगाड़ दिया ना। वो तो जानता है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो क्या हो गया, धर्म की बात कर लेगा, आपका वोट मिल जाएगा। आपको पानी नहीं मिल रहा है, महंगाई से राहत नहीं मिल रही है तो क्या हो गया, उसको ये नहीं लगता कि उसकी जिम्मेदारी है करने की। वो तो सोचता है कि चलो चुनाव आएगा, दो चार खोखली घोषणाएं कर देंगे, धर्म की बात उठा लेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और वोट मिल जाएगा, हमारी नैया पार, हमारी सरकार बन जाएगी और 5 साल मौज ही मौज। तो ये बातें आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपका प्रदेश आज जहां पहुंचा है, बड़ी मुश्किल से पहुंचा है और किसी की मेहनत से पहुंचा है, आपकी मेहनत से पहुंचा है, बघेल जी की मेहनत से पहुंचा है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से पहुंचा है। आज अगर छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में है, क्या आप सोच सकते थे कि बस्तर की रागी और मिलेट जहां वो प्रोडक्शन यूनिट डाला, वो आज दुनिया की बड़ी बड़ी दुकानों में बिक रहा है। क्या आपने सोचा था कि जहां आप आवारा पशु की समस्या से जूझ रहे थे, दिन रात खेती की चौकीदारी करनी पड़ रही थी, वो इस तरह से सुलझाई जाएगी कि आप उसमें से कमा भी पाएंगे, कि गोबर को भी आपसे सरकार खरीद के उसका कुछ बना देगी। क्या आपने सोचा था कि रोजगार के मौके छत्तीसगढ़ में इतने मिल जाएंगे कि बाहर से जो पलायन करके गए थे वो वापस आकर खेती किसानी और रोजगार यहाँ पे करना चाहेंगे? क्या आपने सोचा था कि आपको एक ऐसी सरकार मिलेगी जो आपकी हर छोटी छोटी समस्या को पहचान कर उसको सुलझाने की कोशिश करेगी? मुझे नहीं लगता कि जब 5 सालों पहले हमारी सरकार बनी थी तो आप सोच सकते थे कि आपके प्रदेश की कितनी तरक्की हो सकती है। लेकिन आज ये सोच नहीं, ये आपका अनुभव है। आपने देख लिया है कि किस तरह से आपकी सरकार ने आपके लिए काम किया। मैं आज खैरागढ़ से आई हूं, वहां के सुप्रसिद्ध कवि थे मुक्तिबोध जी, आपको नाम मालूम है? मुक्तिबोध जी कहते थे, अक्सर पूछते थे कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, शायद आपने सुना होगा। और मैं यही पूछने के लिए आज यहां खड़ी हूं कि पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है, आप कैसी राजनीति चाहते हैं इस देश में, आप क्या ऐसी पॉलिटिक्स, ऐसी राजनीति चाहते हैं जो सिर्फ आपका ध्यान भटकाने में व्यस्त रहे, कि आप एक ऐसी पॉलिटिक्स चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, काम करके दिखाए, जिसका मुख्यमंत्री यहां आके खड़ा होके दावे से कह सकता है मैं अगला चुनाव जीतूंगा क्योंकि मैंने काम किया है और मैं ये काम जारी रखूंगा। तो आप चुनिए कि आपको किस तरह की राजनीति, किस तरह की सरकार चाहिए। धरातल पे काम दिखना चाहिए, बड़े बड़े इवेंट्स, बड़ी पब्लिसिटी की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। देख लीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि बड़ी बड़ी मीडियाबाजी हो रही है, ठीक है, देख लीजिए, लेकिन समझ लीजिए इसको, खोखली बातें कौन कर रहा है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है, 18 सालों से इनको ये बात नहीं सूझी कि बहनों को थोड़ी बहुत राहत हर महीने देनी चाहिए, 18 साल से नहीं सूझी। 2 महीने पहले लाडली योजना निकल गई, लाडली योजना के तहत अब धड़ाधड़ पैसे दिए जा रहे हैं महिलाओं को, तो भाई 18 साल के लिए क्यों नहीं दिए? 18 सालों से सरकार है, आपको मालूम है 3 सालों में 21 रोजगार दिए इन्होंने, 21 रोजगार, शर्म आनी चाहिए आपके सामने, अपना मुंह दिखाना है इनको। ये मोदी जी आपको कह के गए थे कि नहीं कि करोड़ों रोजगार बनाएंगे, कहीं कहां गए वो रोजगार, कहां से मिलते हैं? यहां तमाम नौजवान खड़े हैं, कहां भाई केंद्र से तुम्हें रोजगार मिला? ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपके प्रदेश में ऐसी सरकार है जो अभी भी आपको रोजगार दे रही है, वरना इनकी नीतियों से
अगर आपका प्रदेश चलता 5 सालों में तो साथ में देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार, 17 बलात्कार एक दिन में, यहां से वहां तक जाने की सुरक्षा नहीं। और कहते हैं कि लाडली योजना निकालेंगे, तो समझ लीजिए कि काम करने के लिए ना, जैसे आपकी सही नीयत होनी चाहिए, आप काम कर रहे हैं खेती में, अगर आप चाहें तो आप भी बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, कुछ नहीं करिए, उपज नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, आप भुगतेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से आप काम करेंगे और अच्छी उपज आएगी और अच्छी तरह से सारी खेती हो जाए, वो तो उपज आ सकती है। मान लो परिवार में 2 बेटे हैं, एक की नीयत ऐसे ही है और एक की अच्छी नीयत है, पिताजी दोनों को कुछ दे देते हैं कि लो ये लो थोड़े से पैसे, अब इसका कुछ बनाओ तुम। जिसकी नीयत खराब है वो जाके जुआ खेलेगा, इधर उधर कुछ पी लेगा, छोड़ देगा, पैसे गवा देगा। जिसकी नीयत अच्छी है वो कुछ कमा के लाएगा, नौकरी ढूंढने की कोशिश करेगा, शायद खेती में जाके खेती कर ले। तो नीयत एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप जब बच्चों के लिए रिश्ता तय करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई वो दूसरा परिवार है, उसकी नीयत क्या है, लड़का कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, झूठ बोलने वाला है, सच बोलने वाला है, सबसे पहले तो यही देखते हैं। इसी तरह से आप नेताओं से पूछो ना, नेताओं को क्यों छोड़ देते हैं, नेताओं से पूछो नीयत क्या है भाई तुम्हारी, यहां आके तुमने घोषणा की, कुछ किया नहीं, तो वापिस आने की हिम्मत कैसे हो गई, आप क्यों नहीं पूछ रहे हो। जिम्मेदार बनाओ नेताओं को, हमें जिम्मेदार बनाओ, हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। अगर बघेल जी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो क्या ऐसी सरकार देते आपको जो दिन रात एक कर लेती आपके लिए, आपके लिए ऐसी योजनाएं लाते जिससे आपको राहत मिले, आप आगे बढ़ पाए। बस्तर जैसी जगह जो हिंसा के लिए जानी जाती थी, आज देश भर में रागी कोदा ये सब इन चीजों के लिए जानी जाती है। आपकी संस्कृति जान, विश्व का जो सबसे बड़ा वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आदिवासियों के लिए कहाँ हो रहा है, आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो अगर नीयत सही नहीं होती तो ये सब काम नहीं होता। तो सीधी सी बात करने आई हूं आपसे, देखिए जब आप वोट डालने जाएंगे जागरूक बन के डालो, जागरूक बन के डालो और अपनी परिस्थितियों को समझ के डालो, अपने ही अनुभव पे डालो। मैं कह रही हूं इसलिए मत डालो, बघेल जी कह रहे हैं इसलिए मत डालो, कोई और नेता किसी और पार्टी का आके कह रहा है इसलिए मत डालो, अपने अनुभव को देखो, मिला है कि नहीं मिला है, तरक्की हुई है कि नहीं हुई है, किस तरह से आपका गांव आगे बढ़ा है, आपका देश क्या आगे बढ़ रहा है कि पीछे चले जा रहा है। जो नेता सामने आ रहा है वो आपको आगे बढ़ाने की बात, विकास की बात, रोजगार की बात, महंगाई घटाने की बात कर रहा है या धर्म की बात कर रहा है आपको एक दूसरे से लड़ाने के लिए। जागरूक बनो, जागरूक बनोगे तो तुम्हारा भविष्य कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। सबसे बड़ी देशभक्ति यही है बहनों और भाइयों, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि ये जो वोट है तुम्हारा, ध्यान से सोच समझ के जागरूक बन के तुम डालो। और ऐसी पार्टियों को बढ़ाना बंद कर दो जो आपका ध्यान हटा देती हैं। आपका ध्यान अर्जुन के ध्यान की तरह होना चाहिए, एकदम केंद्रित। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख से अपना ध्यान नहीं हटाया, अपने भविष्य से अपना ध्यान मत हटाओ। पूरी काबिलियत है कांग्रेस पार्टी में, पूरी काबिलियत है आपके भविष्य को मजबूत बनाने की, पूरी काबिलियत है, इच्छा है, नियत है, ताकत है, और हम करके दिखाएंगे। और हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अपनी ताकत और अपनी नियत दिखाई है आपको। आप चाहे किसी भी वर्ग को ले लीजिए, ओबीसी वर्ग को लीजिए, देखते हैं भाजपा क्या कहती है। कई सालों से कह रही है कि हम ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब कांग्रेस ने ये मांग उठाई कि भाई जातिगत जनगणना करो, गिनो
कि ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, गिनो, तभी तो तुम मदद कर पाओगे। अगर पता ही नहीं है तो मदद कैसे कर पाओगे। जैसे ही हमने ये मांग उठाई, बहाने शुरू, बोलती बंद। क्यों? अगर नियत सही होती तो मुंह क्यों बंद हो गया जब हमने ये बात उठाई? और ये जातिगत जनगणना है क्या, और किससे फायदा होगा इससे, कैसे फायदा होगा? ये यही बात है कि गिन लो, देखो देश में कौन कौन है, क्या सुविधाएं सबको मिल रही हैं, क्या सबको न्याय मिल रहा है। 84% ओबीसी एससी एसटी की संख्या बिहार में है, उन्होंने गिनती की। और अगर आप देश के बड़े बड़े मीडिया घर देखोगे, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं देखोगे, देश के सबसे जो बड़े सचिव हैं उनको देखोगे, विश्वविद्यालय के जो चांसलर्स हैं उनको देखोगे, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये 84% जो संख्या है हमारी आबादी की, उनको न्याय मिल रहा है इन पदों पर? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो फिर से बड़ी बड़ी बातें, धरातल पे कुछ नहीं। महिलाओं के साथ बड़ी बड़ी बातें, इवेंटबाजी, बिल पास हो गई, धरातल पे कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने, सुन लीजिए, 22,000 घोषणाएं की है, 22,000 घोषणाएं की है। उनको खुद ही याद नहीं होगा कि क्या घोषणाएं हैं ये 22,000, क्योंकि शुरू से याद रखना ही नहीं था, नियत ही नहीं थी, बस यही था जो अभी कर रहे हैं। लाडली बहना दो महीने पहले घोषणा करती, 2 महीने बाद अगर जीत जाते तो भूल जाते। तो अब ये सब परिस्थितियां जो है, नेताओं का तो नुकसान नहीं हो रहा है, सब अच्छे खासे हैं, सबको अच्छी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, सबके अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल हैं। मोदी जी ने तो देश की संपत्ति अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप ही दी है, जहां से आपको रोजगार मिलता था, बड़े बड़े जो पीएसयू थे, बीएचईएल, एचएल, सौंप दी, कोड़ियों के दाम में बेच दी, जो नहीं बेची वो दे ही दी। वो बड़े बड़े उद्योगपति, उनके इतने बड़े महल है कि भगवान जाने क्या करते हैं इतने बड़े महल में 2-4 लोग रहकर। उनके बच्चे फूल रहे हैं, फल रहे हैं, और संपत्ति आपकी है। यहां क्या काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में? आपकी संपत्ति वापस आपके जेब में जा रही है, ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिससे आपकी संपत्ति वापस जाए। हम कहते हैं ओपीएस के लिए पैसे हैं, हम हिमाचल में दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कर्नाटका में, राजस्थान में दे रही है, ये कहते कि नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास ओपीएस के लिए पैसे नहीं है तो बताइए, आपने हजारों करोड़ रुपए अडानी जी, अंबानी जी के कैसे माफ कर दिए, कर्ज माफ किए इन्होंने इतने बड़े बड़े? अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो अच्छा खासा हमारा संसद भवन चल रहा था, इसके सुंदरीकरण को क्या जरूरत थी आपको 20,000 करोड़ रुपए खर्चने के लिए? आप एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना रहे हो दिल्ली में 27,000 करोड़ का, मोदी जी का हवाई जहाज जिसमें वो पूरे देश का दौरा लगा आए हैं 8,000 करोड़ का है, 2 खरीदे हैं 16,000 करोड़ के, 2 हवाई जहाज, एक इंसान हमारे प्रधानमंत्री उसमें पूरे दुनिया का दौरा कर रहे हैं। यहाँ किसान रोता है, किसान संघर्ष करता है, किसान सड़कों पे उतरता है, उनके पास टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए। और जो काले कानून जिसके लिए किसानों ने संघर्ष किया, उनको कब हटाया जाता है ये भी समझ लीजिए, चुनाव से 2 महीने पहले। चुनाव तक किसान मर जाए, आपके मंत्री के बच्चे उनको कुचल दे जीपों के नीचे, कुछ भी हो जाए, आप कुछ नहीं करेंगे, आप किसी के से बात तक नहीं करेंगे। चुनाव आने लगा, लोग कानून वापस। तो ये राजनीति जो है ना, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नकारात्मक है इस देश के लिए। और आज यहां खड़े हुए, इंदिरा जी की पुण्यतिथि के एक दिन पहले, मैं आपको कहना चाहती हूं कि जिन देश भक्तों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, उसे व्यर्थ मत कीजिए। आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, सिर्फ मेरी दादी या मेरे पूर्वज नहीं थे। आपने सुना, छत्तीसगढ़ की, यहां की, बिलासपुर की महिलाओं ने अपने जेवर दिए,
गांधी जी को कि लो लड़ो, हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ। तो एक बहुत बड़ी चीज है ये वोट, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको आप एकदम सोच समझ के डालो। ये आपकी देशभक्ति का मौका है, अब अपनी देशभक्ति दिखाओ, ऐसी राजनीति को नकारो जो आपको तोड़कर, आपको गरीब रखकर खुद सफल हो रही है। जब आपको रोजगार नहीं मिलता, जब आपके नौजवान बच्चे रंज से भरे हुए, गुस्से से भरे हुए